हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल दीप्रशिता शो। आज हम बात करने वाले हैं हॉस्पिटल बैग के बारे में। जो भी आपके 9 months की प्रेगनेंसी की पूरी जर्नी होती है, जब आप डिलीवरी के लिए जाते हो, उसके साथ में ही आपको जो है बैग एक कैरी करना होता है साथ में, जिसमें सामान होता है मदर का, बेबी का और आपके को पार्टनर जो साथ में आपके साथ रुकने वाले हैं उनका कुछ सामान, तो वो हॉस्पिटल बैग में होता है। यही हमारी वीडियो का आज का टॉपिक है, आपके हॉस्पिटल बैग में क्या क्या होना चाहिए। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करके ज़रूर बताना है वीडियो आपको कैसा लगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि 3 जनों का सामान हमें रेडी करना होता है। यूजुअली मदर का सामान होता है, जो भी मदर के लिए सामान चाहिए होता है डिलीवरी से पहले और डिलीवरी जस्ट डिलीवरी के बाद। बेबी का कुछ सामान चाहिए होता है, जब बेबी होता है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। और थर्ड है कि जो आपके को पार्टनर हैं, जो भी आपके साथ रुकने वाले हैं, मैक्सिमम टाइम पे हस्बैंड ही आपके साथ रुकते हैं, बट अगर कोई और भी आपके साथ रुक रहा है तो क्योंकि ये जो टाइम होता है, अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो करीब आपको 1 से 2 दिन तक हॉस्पिटल में स्टे होता है, और सी सेक्शन है तो 3 to 4 days भी हो जाते हैं। तो जो भी आपके साथ में रुक रहे हैं, ज़रूरी है कि उनका भी सामान पूरा, उनके भी पूरे कम्फर्ट्स, वो आप पूरा सामान साथ में लेके जाए हॉस्पिटल। तो तीनों के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मदर के सामान के बारे में, कि मदर का जो हॉस्पिटल बैग आप रेडी करोगे उसमें क्या क्या होना चाहिए, और आपके को पार्टनर के बारे में। और जो वीडियो का सेकंड पार्ट है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि बेबी का क्या क्या सामान आपको हॉस्पिटल बैग में रखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कब आपको ये हॉस्पिटल बैग रेडी कर लेना चाहिए। तो जैसे जैसे आपका 8वां महीना कंप्लीट होता है, 9th month आपका स्टार्ट हो जाता है, तो तभी आपको हॉस्पिटल बैग आपका रेडी कर लेना चाहिए। यूजली जो डेट मिलती है वो 9 months कंप्लीट होने के बाद की मिलती है, मतलब जो डिलीवरी की आपकी डेट है, वो जब 9 months आपके कंप्लीट हो जाते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको डेट मिल जाती है, वो आपके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट पे लिखा रहता है या डॉक्टर्स आपको बता देते हैं। बट होता क्या है कि 8 month के बाद में आपको कभी भी कॉन्ट्रैक्शंस हो सकते हैं, आपको कभी भी डिलीवरी के लिए जाना पड़ सकता है। तो आफ्टर 8 month, जब 8वां महीना आपका पूरा हो चुका है, तो आपको इमीडिएट अपना बैग रेडी करके रख लेना चाहिए, क्योंकि कभी भी आपको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। तो वो एकदम से टेंशन नहीं हो जाए, एकदम से पैनिक नहीं हो जाए कि आपको क्या क्या सामान लेना है और क्या क्या एकदम से पैक करना है, क्योंकि वो टाइम ऐसा होता है कि आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो 8वें महीने के बाद आप अपना बैग रेडी करना स्टार्ट कर दें। अब बात कर लेते हैं, सबसे पहले मदर के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या सामान आपको रखना है उसके अंदर। तो मदर के लिए बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको रखने, अपने डॉक्यूमेंट्स, वो आप 8th month के बाद ही जैसे ही अपना बैग रेडी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने रिपोर्ट्स वगैरह जो हैं, जो भी आपका फोल्डर पूरे 9 months का आपने बना के रखा होगा, क्योंकि बहुत सारे अल्ट्रासाउंड्स होते हैं, बहुत सारी टेस्ट रिपोर्ट्स होती हैं, या हॉस्पिटल जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ के कुछ फॉर्म्स वगैरह हो सकते हैं, आपके इंश्योरेंस के पेपर हो सकते हैं, आपके आईडी प्रूफ्स हो गए जो ज़रूरत पड़ते हैं वहाँ पे, तो जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आपको रिक्वायर्ड हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने बैग में रख लें। और 8 month कंप्लीट होने के बाद, जैसे जैसे 9 months तक, 1 महीना निकल सकता है आपकी डिलीवरी के लिए, तो अगर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है बीच में वो रिपोर्ट्स लेके, तो बिल्कुल श्योर रहिए कि जैसे ही आप घर पे आ रहे हैं तो वो जो डॉक्यूमेंट्स है वो इमीडिएट आप बैग में ही रखें, क्योंकि जब हम हॉस्पिटल जा रहे होते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें याद नहीं रहती। तो सबसे पहले हो गए आपके डॉक्यूमेंट्स। सेकेंड नंबर पे मैं बात करूँगी आपके कपड़े, मतलब मदर के जो है कपड़े, वो कैसे होने चाहिए और कितने होने चाहिए। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो आपको 1 से 2 दिन का स्टे होगा, और सी सेक्शन है तो 3 to 4 days हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप कपड़े रख लें। अगर आपके डॉक्टर ने आपको कहा है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है, उस केस में भी आप 3 से 4 दिन के कपड़े अपने रेडी करके रखें। वो ये हो सकता है कि आप हॉस्पिटल ना लेके जाएं, हॉस्पिटल आप 1 से 2 दिन के लिए ही जो आपको कपड़े चाहिए आप वो लेके चले जाओ, लेकिन घर पे आप स्पेयर एक अलग जगह पे वो एक सेट बना के रख के जाओ कि इन केस आपका सी सेक्शन हो जाता है और 3 से 4 दिन के लिए आपको हॉस्पिटल में स्टे करना पड़ जाता है, तो कोई भी घर पे आके वो कपड़े आपके लेके जा सके। तो अब बात करते हैं कि कपड़े कैसे होने चाहिए आपके। तो जो भी आप कपड़े ले रहे हो, बिल्कुल लूज़ होने चाहिए, फैब्रिक कॉटन होना चाहिए, ओपन होने चाहिए, कि आफ्टर डिलीवरी अगर आप अपने बेबी को फीड कराओगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आए, अगर वो ओपन बटन वाला रहेगा तो आप इजीली बेबी को उसे फीड करा पाओगे। तो ओपन कुछ गाउन या कुछ शर्ट्स वगैरह आप ले सकते हो,
और साथ में एक लूज़ पजामा आप ले सकते हो। तो 3 से 4 सेट आप अपने लिए ज़रूर रखो उसके लिए। तो ये बाद हो गई आपके कपड़ों की। उसके बाद में आफ्टर डिलीवरी आपको ठंड काफ़ी लग सकती है। इवन समर्स का मौसम है तब भी आप ज़रूर अपने साथ में एडिशनल कैरी ज़रूर करना, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी कभी भी पता नहीं होता, कभी भी आपको कपकपी सी लगने लगती है, कभी भी आपको ठंड लगने लगती है। तो उस केस में आपका कार्डिगन हो गया, मतलब स्वेटर हो गया। स्वेटर में भी आप ये मत करना कि बंद स्वेटर आपने ले लिया, जैसा टी शर्ट स्टाइल में या स्वेट शर्ट टाइप में रहता है उस तरीके का आप मत लेना। कार्डिगन जो होता है, मतलब ओपन जो बटन वाला होता है, वैसा ही आप रखना, क्योंकि अगेन आपको फीड कराना पड़ेगा बेबी को। तो उस केस में ज़रूरी है वो कि ओपन हो। तो स्वेटर की बात होगी, एक स्कार्फ भी अपने पास आपको ज़रूर रखना है, क्योंकि डिलीवरी आपकी जैसे ही होती है आपको सिर कवर करके रखना ज़रूरी है। तो समर्स और विंटर्स के हिसाब से आप फैब्रिक थोड़ा सा देख लो, जो भी आप फैब्रिक अपने सिर पे ले सकते हो। तो आप स्कार्फ ज़रूर अपने पास रखो, एक स्टॉल आपके पास होना चाहिए कि आपको ज़्यादा ठंड लगे तो आप कवर कर सको अपने आप को। तो इस तरीके से 3-4 कुछ सेट हो गए आपके, पजामा टी शर्ट्स एंड ऑल, और सर्दी के लिए आपका स्वेटर हो गया, स्टॉल हो गया और स्कार्फ हो गया। तो ये आपको रखना है। फुटवेयर की मैं बात करूँगी, वो भी बहुत ज़रूरी है कि फुटवेयर पे आपके बहुत कंफर्टेबल होने चाहिए। बिल्कुल ऐसे होने चाहिए कि आप जैसे ही उसको पहन रहे हो तो इजीली आप पहन सको, विदाउट एनी सपोर्ट, विदाउट आपका हाथ लगाए उसको, तो आराम से आप उसको पहन सको और आराम से उसको उतार सको। कुछ शूज़ भी आते हैं विदाउट लेसेस जो आप आराम से पहन सकते हो और उतार सकते हो, तो वो भी आप ले सकते हो। सॉक्स ज़रूर आपको कैरी करनी है, समर्स है तो अकॉर्डिंग उसके फैब्रिक आप ले सकते हो, विंटर्स है तो थोड़े वुलन सॉक्स आप ले सकते हो, लेकिन सॉक्स आपको ज़रूर कैरी करनी है। मैं बार बार आपको कहूँगी कि आफ्टर डिलीवरी समर्स हो या विंटर्स हो, आपको बहुत ठंड लग सकती है और उस टाइम पर आपके पास ये सारी चीज़ें होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर एक लिप बाम आप अपने पास ज़रूर से ज़रूर रखें, क्योंकि डिलीवरी जैसे ही आपकी होती है आपके होंठ बहुत ज़्यादा सूख रहे होते हैं और उस टाइम पे पानी भी पीना अलाउ होता नहीं है अगर आपका सी सेक्शन हुआ है। तो लिप बाम ज़रूर अपने पास आप रखें, जो भी आपके लिप को सूट होती हो, जो भी अच्छे से मॉइस्चराइज करती हो आपके लिप को, तो वो लिप बाम भी आपको ज़रूर से ज़रूर रखनी है। फिर है ब्रेस्ट फीडिंग पिलो, मतलब जब आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रहे हो तो आप ऐसे नहीं करा पाओगे, एक पिलो की ज़रूरत होगी आपको। या तो मार्केट में अवेलेबल होते हैं ब्रेस्ट फीडिंग पिलोस जो फीड कराते हुए एक सपोर्ट देता है बच्चे को, या फिर आप जब बैठते हो बच्चे को अपनी गोदी में लेके, तो जहाँ पे बच्चे का सिर होता है उस सिर को ऊपर रखने के लिए आपको अपने घुटने के नीचे या अपनी टांग के नीचे थोड़ा सा पिलो रखना पड़ता है। तो जो भी चीज़ें एक तो मैं लिस्ट में आपको बता रही हूँ वो पहले से आप अपने हॉस्पिटल में पता कर लें, मतलब जहाँ भी आपकी डिलीवरी होने वाली है कि क्या क्या चीज़ें वो आपको प्रोवाइड करवाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली आप चीज़ें कम या ज़्यादा कर सकते हो। बट ये सारी चीज़ें उस समय आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, चाहे आप घर से लेके जाओ चाहे आपको हॉस्पिटल में वो चीज़ मिल जाए। तो ब्रेस्ट फीडिंग पिलो ज़रूर होना चाहिए, वो मार्केट से आप अकॉर्डिंगली ले सकते हो, ब्रेस्ट फीडिंग पिलो या नॉर्मल पिलो जो आप टांग के नीचे रख सको और बेबी का हेड ऊपर रहे और फिर आप आराम से उसको फीड करा सको। फिर जब आप उसको फीड कराओगे तो बर्प कराना, मतलब बच्चे को डकार दिलाना बहुत ज़रूरी है। और स्टार्टिंग में जब बच्चा दूध पी रहा होता है तो वो दूध निकालता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बिल्कुल नया नया आया होता है दुनिया में, दूध उसके अकॉर्डिंगली मतलब उसको पीने का अभी होता नहीं है और डाइजेस्टिव सिस्टम इतना स्ट्रांग होता नहीं है। तो जैसे आप उसको दूध पिला रहे हो और आपने उसको खड़ा कराया, मतलब आपने उसको कंधे पे लिया बर्प कराने के लिए, तो वो एकदम से क्या होता है दूध बच्चे निकाल देते हैं या कई बार डकार लेने के बाद भी निकाल देते हैं। तो आप उस केस में थोड़े से एक्स्ट्रा कपड़े रखो, वो आप डकार दिला रहे हो या आपके साथ में जो भी आपके को पार्टनर है चाहे वो कर रहे हैं, तो बर्प कराने से पहले आप कंधे पे वो एक्स्ट्रा कपड़ा थोड़ा सा रख लो। कई लोग लैप पे मतलब थाई पे बच्चे को रख के फिर बर्प कराते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप वहाँ कपड़ा रख लो। बेसिकली पर्पस ये है कि अगर बच्चा वॉमिट कर देता है, अगर बच्चा दूध निकालता है तो वो कपड़े के ऊपर आ जाए, मतलब आपने जो ड्रेस पहना हुआ है वो फिर आपका गंदा नहीं होगा। तो वो भी थोड़े से एक्स्ट्रा कपड़े आप लेके चलें ताकि आपके ड्रेसेस ख़राब ना हो। तो ये हो गया। हैंकी आपको रखने हैं कॉटन के, बिल्कुल पतले से, सॉफ्ट से, क्योंकि जब जब आप फीड कराओगे तो फीड कराने से पहले आपको निप्पल को बिल्कुल क्लीन करना है अच्छे से। तो आप गुनगुना पानी लोगे और उसमें हैंकी को अच्छे गुनगुने पानी में लेके और फिर आपका निप्पल आप क्लीन करोगे, तो वो हैंकी भी आपको बहुत ज़्यादा चाहिए होंगे उस टाइम पे। तो उस अकॉर्डिंगली आप थोड़े से हैंकी, थोड़े से रुमाल, कॉटन का फैब्रिक जो भी हो छोटा सा, वो ज़रूर रखें अपने पास में ताकि आपको निप्पल क्लीनिंग में प्रॉब्लम ना आए। फिर है कि केटल भी आपके पास एक ज़रूर होना चाहिए। वो किस लिए?
जैसे मैंने आपको बताया कि आपको निपल क्लीन करने के लिए पानी गर्म चाहिए और उसमें आप कपड़ा डालोगे और फिर क्लीन करोगे। तो कई बार क्या होता है कि आपके रूम में जहाँ भी आप हो एडमिट, जहाँ भी आपकी डिलीवरी हुई है, जहाँ भी आप को रखा हुआ है, वहाँ पे कई बार गर्म पानी अवेलेबल नहीं होता। तो मेरे केस में यही हुआ था, हम केटल घर से लेके गए थे और जब भी हमें गर्म पानी का रिक्वायरमेंट था, गर्म पानी बहुत जगह चाहिए होता है उस टाइम पे, आपका आपके खुद की क्लीनिंग के लिए चाहिए होगा, जब बच्चा ब्रेस्ट फीड नहीं कर रहा है, जब बच्चा फॉर्मूला ले रहा है तो उसका दूध बनाने के लिए चाहिए, उसकी बॉटल को स्टरलाइज करने के लिए चाहिए, बच्चा जब पॉटी कर रहा है तो भी गुनगुना पानी उस टाइम पे चाहिए होता है उसको क्लीन करने के लिए। और कई बार हम जैसे टी बैग्स वगैरह भी साथ ले गए थे, तो चाय आप वहीं पे बना सकते हो क्योंकि आपके स्टे का आपको पता नहीं होता कि कितने दिन का है, और कई बार एक ही को पार्टनर साथ में है तो वो बार बार जा भी नहीं सकते। तो हम लोग टी बैग्स वगैरह भी साथ ले गए थे, तो हम लोग चाय वगैरह वहीं पे बना के पी लेते थे। तो वो केटल आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप हॉस्पिटल अपने पता करके रखें कि केटल आपको अवेलेबल हो जाएगी, आपको लेके जानी है तो वो ज़रूर आप अपने साथ कैरी करें। फिर एक ब्लैंकेट ज़रूर आपको रखना है अपने पास, क्योंकि आपको ठंड कभी भी लग सकती है, तो ब्लैंकेट ज़रूर से ज़रूर आपके पास होना चाहिए। अगेन मैं कहूँगी हॉस्पिटल से अगर आपको प्रोवाइड हो जाएगा तो वेल एंड गुड, नहीं होगा तो आप अपना घर से ही नीट एंड क्लीन बिल्कुल ब्लैंकेट लेके जाएं, और आपको ठंड लगती है तो आप फिर वो यूज़ कर सकते हो। बालों का अपना थोड़ा सा ध्यान रखें, उस टाइम पे आप ओपन हेयर नहीं कर पाओगे, उस टाइम पे आप टाइट मतलब क्लचर वगैरह भी नहीं लगा पाओगे क्योंकि मैक्सिमम आपको लेटे रहना होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली अपने बैंड्स वगैरह जिसमें भी आप कंफर्टेबल रहो, जिसमें भी आप लेट सको, तो वो ज़रूर आप साथ में कैरी करना, बैंड्स वगैरह जो भी आपको चाहिए हो तो वो ज़रूर से ज़रूर आपके पास होने चाहिए। नर्सिंग ब्रा भी आप ले सकते हो, और नर्सिंग ब्रा आती है बच्चे को फीड कराने के लिए स्पेशली, वो मार्केट में अवेलेबल हैं, तो आप एक या दो पीस ज़रूर से ज़रूर ले लें। और कई बार ही कुछ मिथ्स है कि आफ्टर डिलीवरी आपको ब्रा नहीं पहनना चाहिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आपको ज़रूर से ज़रूर पहनना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं पहनोगे तो आपकी शेप ख़राब हो जाएगी और बहुत सारे और साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उसके, तो आपको ब्रा ज़रूर से ज़रूर पहनना है। नर्सिंग ब्रा आप पहनो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल बिल्कुल अच्छी है आपकी बॉडी के लिए। और कुछ ब्रेस्ट फीडिंग पैड्स आते हैं फॉर योर ब्रेस्ट, अगर आपका मिल्क सप्लाई बहुत ज़्यादा है तो कई बार लीकेज का प्रॉब्लम होता है, आपके कपड़े गीले हो सकते हैं उसकी वजह से, तो वो पैड्स वगैरह भी एडिशनली कुछ आप रख सकते हैं अपने पास में, अगर इन केस आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। फिर है कि आपके प्रोडक्ट्स मतलब आपको नहाना है वहाँ पे, तो आपका साबुन हो गया, आपका टॉवल हो गया, आपका शैम्पू हो गया, आपका ब्रश हो गया, टूथपेस्ट हो गया, हेयर ब्रश हो गया, आपका कॉम हो गया, तो ये सारी चीज़ें ज़रूर आप अपने साथ कैरी कर लो, ये सब आपके पास होना चाहिए, क्योंकि वही 3 से 4 दिन अगर आपको लग जाएंगे तो ये सब चीज़ों की आपको वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। आपका मॉइस्चराइजर हो गया, आपका लिप बाम हो गया, बेसिकली जो भी चीज़ें आप डेली यूज़ करते हो वो सब आपके बैग में आपके पास होना चाहिए, तो ये सब आप रख सकते हो। फिर है आपके मोबाइल का चार्जर, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कई बार लास्ट मिनट पे आपको घर से निकलना होता है हॉस्पिटल के लिए और वही चीज़ आपसे मिस हो जाती है, तो अगर कुछ एडिशनल चार्जर है आपके पास तो वो पहले से ही आप बैग में अपना कैरी करके रखो, क्योंकि हॉस्पिटल जब आप जाते हो तो आपको ये नहीं पता होता कि आप घर कब वापस आओगे या आपका एक और राउंड घर पे कब लगेगा, तो चार्जर ज़रूर एडिशनल अगर आपके पास है तो आप पहले से ही बैग में रखो उसको, वो भी बहुत ज़रूरी है। फिर है कि जब आप डिलीवरी के लिए जाते हो तो वहाँ कितना टाइम लग जाएगा वो भी पता नहीं होता, समटाइम्स आपको बहुत ज़्यादा पेन्स हो रहे होते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे होते हैं, कई बार वो 24 आवर्स के लिए भी हो सकते हैं, कई बार आपको आज पेन स्टार्ट हुआ और वो डिलीवरी कल होती है, तो बेसिकली अपने आपको काम रखने के लिए, अपने आप को थोड़ा सा कंफर्टेबल करने के लिए आप हैंड फ्री वगैरह भी रख सकते हो, और बेसिकली कुछ थोड़ा बहुत म्यूज़िक आप सुन सकते हो अगर आपको इंटरेस्ट है और आपको लगता है कि आप उसे थोड़े काम हो जाओगे, तो वो भी आप साथ में रख सकते हो। तो चार्जर और हैंड फ्री हो गया, ये सब आप अपने पास रखो। तो अब बात करते हैं कि आपके को पार्टनर के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्योंकि उनका भी स्टे उतने दिन का ही होगा जितने दिन का आपका स्टे है, तो उनके कंफर्ट्स भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी, एक तो जब आपके को पार्टनर जो भी आपके साथ रुक रहे हैं उनको हॉस्पिटल में काफ़ी देर बैठना होता है, क्योंकि आप बेड पे होते हो, वो आपके साथ में आपकी केयर करने के लिए बैठे ही होते हैं चेयर और सोफ़ा पे, तो उनके नेक के सपोर्ट के लिए एक नेक पिलो आप ज़रूर अपने पास रख लो, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमने अपने डिलीवरी टाइम पे देखा था कि जो भी लोग साथ में रुक रहे थे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, बेसिकली बैठे बैठे ये पूरा एरिया पेन होने लग जाता है, तो थोड़ा सा कंफर्ट के लिए आप एक नेक पिलो घर से ही लेके जाओ, ताकि जो साथ में जा रहे हैं वो भी थोड़ा कंफर्टेबल रहें।
उनके भी ड्रेसेस उसके अकॉर्डिंगली, अगर आपका नॉर्मल डिलीवरी है तो 1 से 2 दिन सी सेक्शन है तो 3 से 4 दिन उनके भी उतने ड्रेसेस होने चाहिए जितने दिन का उनका स्टे है हॉस्पिटल में, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। अगेन प्रोडक्ट्स उनका जो भी शैम्पू एंड ऑल जो भी सब वो यूज़ करना चाहते हैं अगर वो हॉस्पिटल में रहते हैं तो वो सब भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्स्ट्रा ब्लैंकेट आप अपने को पार्टनर के लिए भी ज़रूर रखें क्योंकि विंटर्स का टाइम है या कई बार ठंडा हो सकता है, तो वो भी आप ज़रूर रखें। फिर है कैश एंड ऑल, कैश कार्ड आपको जो भी रखना है वो अपने को पार्टनर्स के पास ज़रूर से ज़रूर रखें। एक कैमरा आप अपने पास ज़रूर रखें क्योंकि वो जो टाइम होता है वो बहुत कैप्चर करने के लिए होता है, बहुत मेमोरेबल होता है, तो आप कैमरा ज़रूर अपने पास रखिए कि आप जो भी अपना बेबी का जितना भी पिक्चर्स आप ले पाएँ उस टाइम पे, जितनी भी आप मेमोरी आप कलेक्ट कर पाएँ, तो वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कैमरा भी रख सकते हो अपने पास। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सैनिटाइज़र आपके पास ज़रूर से ज़रूर होना चाहिए, अच्छा बड़ा बॉटल होना चाहिए। जब भी आप बेबी को टच करोगे, सैनिटाइज़र यूज़ किए बिना आप बेबी को टच नहीं करोगे, चाहे आप बेबी को टच कर रहे हो, चाहे कोई मिलने के लिए आए हैं वो टच कर रहे हैं, हमेशा पहले आप हाथ सैनिटाइज़ करोगे या हाथ सैनिटाइज़ करवाओगे, उसके बाद बेबी को कोई भी टच कर सकता है। बेसिकली आपके हाथों के थ्रू कोई भी जर्म्स बैक्टीरिया बच्चे तक नहीं पहुँचना चाहिए, तो उस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इवन ना सिर्फ हॉस्पिटल में, घर आने के बाद भी सैनिटाइज़र आपको ज़रूर यूज़ करना है, और या फिर अपने हैंड वॉश आपको ज़रूर करने हैं बच्चे को टच करने से पहले, तो वो आप देख लो। अपने नेल्स वगैरह आप अच्छे से कट करके जाना जब भी आप डिलीवरी के लिए जा रहे हो, तो आफ्टर 8 मंथ बिल्कुल आपने नेल्स वगैरह आप कट करते रहो। इनफैक्ट मैं कहूँगी 8 मंथ से पहले भी, जब आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी स्टार्ट हो गई है, आपके नेल्स हमेशा कटे होने चाहिए क्योंकि कई बार स्टमक वगैरह पे बहुत ज़्यादा इचिंग होती है और हम वो इचिंग कर देते हैं तो नेल्स वगैरह स्टमक पे भी लग जाते हैं, और फिर जब डिलीवरी के बाद नेल्स आपके बड़े होते हैं तो बच्चे को लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो नेल्स हमेशा आप कट करके रखें, स्पेशली जब आप डिलीवरी के लिए जा रहे हैं तो नेल्स हमेशा आपके कट होने चाहिए। ऑर्नामेंट्स जो भी आपने पहने हुए हैं वो आप रिमूव करके रखें क्योंकि जब आप हॉस्पिटल जाओगे और जब आपका डिलीवरी होगा तो ऑर्नामेंट्स वगैरह सब वो आपको उतारने के लिए कहेंगे, तो बेटर है कि आप घर पे ही रख के जाएँ क्योंकि वहाँ पे उस चीज़ को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसका भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, आपके हाथ वगैरह का बहुत क्लीन आपको करके रखना है। और जो आप अपना हॉस्पिटल बैग रेडी कर रहे हो, आपका बैग अब रेडी हो गया है, तो ज़रूरी है कि जो भी आपके साथ हॉस्पिटल में स्टे करने वाला है, जो भी आपके साथ हॉस्पिटल में जाने वाला है, उनको सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपने बैग में क्या क्या रखा है, कौन सी जगह पे रखा है, क्योंकि इमिजिएटली आपको हॉस्पिटल जाना है और आप बस डिलीवरी के लिए चले जाओगे, बट जो भी सामान वगैरह देना होता है या सामान वगैरह सब निकालना होता है वो आपके को पार्टनर को ही निकालना होता है, तो उनको पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि बैग में क्या क्या रखा हुआ है और कहाँ कहाँ रखा हुआ है, थोड़ा सा आप उनको ये बता के रखो। और जैसे मैंने आपको कहा था कि नॉर्मल डिलीवरी में 1 से 2 दिन और सी सेक्शन में 3 से 4 दिन का टाइम लग जाता है, तो अगर आप नॉर्मल डिलीवरी के हिसाब से प्रिपेयर होकर जा रहे हो और कुछ एक्स्ट्रा सेट आप घर पे रख के जा रहे हो अपने लिए, तो वो आप ज़रूर घर पे किसी को बता के जाओ, और जो भी हॉस्पिटल लेके आने वाले हैं आपके लिए वो बिल्कुल स्पेयर एक जगह पे आप रख के जाओ कि इन केस हॉस्पिटल में 2 से 3 दिन का एक्स्ट्रा स्टे हो जाता है तो वो एक एक्स्ट्रा बैग आपका हॉस्पिटल में आपके साथ पहुँच जाए। फिर मेडिसिन्स का भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना, आप पहले से अपने डॉक्टर से बात करके रखना कि डिलीवरी टाइम पे जब आप आते हो, क्योंकि 9 मंथ्स पूरा हम मेडिसिन्स ले रहे होते हैं, तो वो मेडिसिन्स का उस समय रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, तो आप थोड़ा सा पूछ के रखो अपने डॉक्टर से कि क्या क्या मेडिसिन्स आपको वहाँ पे लेके आनी होती है, क्योंकि आपको हॉस्पिटल में सब कुछ मिल जाता है, हॉस्पिटल में फार्मेसी होती है, केमिस्ट शॉप होता है, आसपास शॉप्स होती हैं, आपको सब मिल जाता है, बट ये टाइम ऐसा होता है और डिलीवरी से पहले आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होती है और आफ्टर डिलीवरी जब बेबी हो जाता है तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा खुशी होती है, तो बेसिकली कोई भी आपको छोड़ के नहीं जाना चाहता, तो ज़रूरी है कि जो भी ज़रूरी सामान है वो आप अपने साथ ही रखो, कि जो भी आपके साथ में और स्टे कर रहे हैं, जो भी आपके साथ हैं, उनको बार बार बाहर ना जाना पड़े, बार बार बाहर के चक्कर ना काटने पड़े, तो जो भी ज़रूरी सामान है वो आप अपने पास रखो। और इसके अलावा जो भी सामान है, आप बहुत ज़्यादा सामान कैरी करके हॉस्पिटल मत लेके जाओ क्योंकि उतना ही आपको वापस भी लेके आना है, और जितना ज़्यादा सामान होगा आपको सर्च करने में और सब करने में थोड़ा सा मुश्किल होगा। और एक्स्ट्रा बैग ज़रूर अपने पास आप रख लो, मतलब एम्प्टी बैग्स जो रहेंगे, क्योंकि जब आप आ रहे होते हो तो आपके बहुत सारे गंदे कपड़े होते हैं, कुछ मेडिसिंस वगैरह और डॉक्टर लिख देते हैं या आपके एक्स्ट्रा रिपोर्ट्स वगैरह होते हैं, तो उस टाइम पे वो बैग का भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है, तो आप 2-3 एक्स्ट्रा बड़े बड़े बैग ज़रूर रख लो। ये पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस है, जो भी लिस्ट हमने बनाई थी, जो भी हमने चीज़ें रखी थी अपने हॉस्पिटल बैग में,
उसके अलावा भी हमें कुछ कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ी थी और हमें बार बार घर पे आना पड़ रहा था। थैंकफुली जो हमारा हॉस्पिटल था, मतलब जहाँ मेरी डिलीवरी हुई थी, वो घर से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे ही था, तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। बट कई बार ही हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा दूर होता है और आपको कोई भी चीज़ चाहिए होती है तो इमिजिएटली घर आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और लास्ट मैं आपको कहूँगी कि डिस्पोजेबल ग्लासेस भी, मतलब जो पेपर ग्लासेस होते हैं, वो भी ज़रूर आप अपने पास रख लेना, क्योंकि उस टाइम पे आपको जब पानी पीना होता है तो भी आपको वो ग्लास की ज़रूरत होती है। और कुछ रिलेटिव्स वगैरह आ रहे होते हैं, अगर आपको उनको कुछ ड्रिंक्स ऑफर करना है तो भी चाहिए होते हैं, तो वो डिस्पोजेबल ग्लास और थोड़ा सा प्लेट्स वगैरह भी आप ज़रूर रख लेना, वो भी चाहिए होते हैं। अगेन मैं कहूँगी कि हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये सब चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ी थी, तो आई होप ये आपको भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये थी वो पूरी लिस्ट जो आपको रेडी करके रखनी चाहिए। आपका 8th मंथ कंप्लीट होते ही बैग आपको रेडी करके रखना चाहिए। इससे ज़्यादा डिले आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि लास्ट मिनट आपको जाना पड़ेगा तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपका बैग रेडी नहीं है तो। तो ये था फर्स्ट पार्ट जो मदर के लिए था। आप सेकेंड पार्ट में बात करेंगे कि बेबी के लिए आपको क्या क्या चीज़ें रखनी है, क्या क्या चीज़ें आपको कैरी करनी है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि दो बैग आप बनाना, एक मदर के लिए एक बेबी के लिए, वो चीज़ों को इकट्ठा मत कर देना, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा आपको। तो मदर के लिए आपका बैग रेडी हो चुका है, अब बात करेंगे बेबी के बैग की, जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करके ज़रूर बताना है वीडियो आपको कैसा लगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। थैंक यू सो मच।